नमस्कार, स्वागत है आपका जन्नत की पुकार में। रन इंडिया फाउंडेशन एवं अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित श्री साई अन्नपूर्णा रसोई में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। सोमवार की देर शाम बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन परिसर में संचालित रसोई का शुभारम्भ ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह एवं सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से भोजन वितरण कर किया। सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि जो लोग जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं उन पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है, ईश्वर उन पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। बता दें कि सेवा कार्य का 11वां सप्ताह है। अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन के संचालक अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। गरीबों को भोजन कराने पर उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखकर मानसिक संतुष्टि मिलती है। श्री साई अन्नपूर्णा रसोई में बीती रात बड़ी संख्या में समाज के गरीब, असहाय, जरूरतमंद, आमजन, दैनिक मजदूर, रिक्शा चालकों, ठेला चालकों व ऑटो चालकों को भोजन कराया गया। आयोजन के सफल संचालन में रन इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन के सचिव विजय कुमार गुप्ता उर्फ मोनू, गौतम सेवा संस्थान के मुन्ना गिरी, युवा समाज सेवी सूरज कलवार, समाज सेवी सैयद साजिद हुसैन, अमरनाथ साहू, अशोक जायसवाल, सुधांशु रंजन, चंदन कुमार, राजू सहारा, जयप्रकाश कुमार, नीलेश रंजन, अनिल कुमार वर्मा, करण गुप्ता, राहुल गुप्ता, मोहरलाल, सुनील कुमार, धर्मवीर कुमार, अमन खान आदि का योगदान सराहनीय रहा। दिल से आभार श्री साई अन्नपूर्णा रसोई और रन इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष सौरभ गुप्ता। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है, कोई गरीब, कोई बेसहारा, कोई लाचार आदमी उनका ना सो। मेरी दादी माँ स्वर्गीय सुरती देवी का एक ही कामना था, कोई भी लाचार आए जिसको खाने के लिए तो भूखे सो जाए, कभी रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, कोई भी हो तो भूखा ना रहे। मेरा एक ही कामना है कि उसका पेट भरे तो हमको लगे कि मेरा मन तृप्त है। यही मेरा कामना है कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आप लोगों का योगदान सबसे बड़ा योगदान है। रन इंडिया अध्यक्ष सौरभ गुप्ता यही कामना करता है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंदर में सेवा का भाव हो और ये सेवा का भाव ही किसी इंसान को एक साथ जोड़ता है और हम सब एक अर्थ बनते हैं, एक परिवार बनते हैं और हम सब की सेवा उसके साथ जुड़ जाती है। ये सेवा के भाव को अगर हम एक साथ लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से एक सेवा का भाव हमें कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज श्री साई फाउंडेशन की तरफ से आज जो मैं देख पा रहा हूँ, जो जिस तरीके से रसोई ये हर सोमवार को शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में लगाते हैं, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे मौका मिला कि मैं इनके साथ आज शामिल हूँ। और इसी तरीके से आगे भी कल्पना करता हूँ कि आगे भी जब भी हमारी सहयोग की आवश्यकता होगी मैं इस फाउंडेशन के साथ हमेशा तत्पर रहूँगा, क्योंकि इसकी वजह से अगर किसी एक इंसान, एक भूखे इंसान को अगर खाने को कुछ मिलता है तो डेफिनेटली हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा और शायद हमारे जीवन में हमें मनुष्य बनने का शायद हमें मौका रियल में अब प्राप्त होगा जब हम किसी की सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे संगठन को और साथ में लायंस क्लब की तरफ से, चूँकि मैं इस चंपारण लायंस क्लब का एक सक्रिय मेंबर भी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से लोग साथ में आए, मिलकर करें और कुछ बड़ा और कुछ बेहतर इस समाज के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिरुद्ध सेवा संस्थान के द्वारा यह चलाया गया जो भोजन प्रत्येक सोमवार को कराया जा रहा है यह बहुत ही काबिले तारीफ है। भोजन कराने से भूखे जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, इससे बढ़िया काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि भोजन को कुछ लोग हैं कि प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर रहे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, मतलब भोजन कराना खिलाना जो है ऐसा नहीं है कि हाँ जिसके पास, इसमें बहुत लोग के पास जो है भोजन होगा, फिर भी यहाँ जो है चूँकि नेक कार्य है, अच्छा कार्य है, इसलिए इसमें भागीदार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये पहल बहुत अच्छा है। और जहाँ तक हमको लगता है खाना का बात, तो हम लोग सब लोग के पास जो है घर में खाना रहता है और हमको निमंत्रण आता है कि हाँ आज इनके यहाँ से आया, आज उनके यहाँ से आया। हमारा एक भोजन ऐसा चीज़ है कि हम, मुझे भी अगर कोई आमंत्रित करता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज तो ज़रूरतमंद यहाँ लोग उपस्थित हैं और उनको भोजन किया, मैंने दिया जा रहा है, तो क्या उनको कितनी खुशी मिलती होगी इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ये सेवा जो है सर्वोपरि है, इसके लिए फाउंडेशन और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो काफ़ी पुण्य का काम है और दान कई तरह के होते हैं,
जैसे वस्त्र दान हो गया, शिक्षा का दान है, अन्न दान है, ये जितने सारे दान हैं बहुत महान दान हैं। इसके पीछे बहुत सारा रीज़न भी छुपा हुआ है, बहुत सारा बहुत बड़ा मैसेज भी छुपा हुआ है। जितने गरीब गुरबा समाज के अंदर हैं, जो ज़बान अपनी नहीं खोल सकते, जो ज़बान से निकालते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं खाने के लिए, वैसे लोग अगर इस तरह की व्यवस्था की जाए तो लाइन लग के क्रमबद्ध होकर जो है वो खाना जो है उनको ईजिली मुहैया हो जाता है, खाने के लिए जो है वो लाइन लगा लेते हैं, और इसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, किसी तरह का झिझक भी नहीं होता। ये एक बड़ा काम बिना किसी इसके कि बिना मांगे हुए और वो चीज़ खाना मिल जाए आज की डेट में, ये बड़ी बात है। और ऐसे काम के लिए हमारे छोटे भाई मोनू जो हैं, विजय रोनियार, इनके बड़े भाई हैं, ये तमाम लोग जो है मुबारकबाद के हकदार हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। और दान करने से बहुत सारी मुसीबत और बहुत सारी परेशानियों से जो है लोग छुटकारा भी पा लेते हैं। हमारे यहाँ मानना है कि दान करने से बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारी परेशानी और अच्छी सेहत के लिए भी लोग दान करते हैं, तो कई तरह की चीज़ मैसेज भी उसके पीछे छुपा हुआ है। तो ये एक बड़ा काम, पुण्य का काम जो कर रहे हैं, जो लोग मांग नहीं सकते हैं समाज के अंदर, हाथ नहीं फैला सकते हैं, वैसे लोग जो है क्रमबद्ध होके जो है खाना बड़ा ईजीली जो है आप देख सकते हैं पीछे ले रहे हैं और खा भी रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शर्मिंदगी उनको महसूस नहीं हुई। ये बड़ा काम समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है, और हमको लगता है कि तमाम संगठनों को इसमें सहयोग करना चाहिए और मिलजुल के जो है हाथ बटाना चाहिए कि इस तरह का कार्यक्रम लगातार चले तो बहुत सारे लोग जो है उनकी मदद की जा सकती है और सेवा किया जा सकता है। मेरे इस मिशन को, अपने अभियान को सहयोग देने के लिए श्री साईं अन्नपूर्णा रसोई समाज के गरीब असहाय दबे कुचले बेसहारा को प्रत्येक सोमवार को रात्रि में 8 बजे से हम लोग शुद्ध पौष्टिक भोजन का वितरण करते हैं, जरूरत को देखते हुए। ये मीनू भी हमारा हर बार बदलते रहता है, उसी कड़ी में हमने एक सिस्टम बनाया है कि समाज के जो भी प्रबुद्ध जन है, जो अच्छे रिनॉर्ड संगठन उनके अध्यक्ष प्रेसिडेंट और टीम को बनाना है, उसी कड़ी में आज मोतिहारी इस चंपारण लाइन्स क्लब जो काफ़ी रिनॉर्ड संस्था और काफ़ी सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है, उसके सम्मानित अध्यक्ष श्री सुजीत कुमार जी हैं, सिंह जी हैं, सचिव सुधीर कुमार गुप्ता जी हैं, विशिष्ट अतिथि में हमारे अशोक जायसवाल जी हैं, रिटायर्ड बैंक के मैनेजर, अनिल वर्मा जी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइन्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, राजू सहारा जी हैं, सम्मानित व्यवसायी शहर के, जयप्रकाश जी हैं, नीलेश रंजन जी हैं, सुधांशु रंजन भी यहाँ पेट्रोलियम शिक्षण के भी हैं। तो ये हम लोग का लगातार ये परंपरा चल रहा है। आज अमरनाथ साहू अंकल जी हैं, 11वां सप्ताह ये हुआ है, ये अनवरत चलता रहेगा, प्रत्येक सोमवार को रात्रि में होता है। ईश्वर इसके लिए ऊर्जा दे, शक्ति दे। अन्य दान जो किसी भी एक सनातन धर्म में होता है, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अन्य दान देने से और हमको इस कार्य को करने से एक विशेष अनुभूति होती है, जब लाइन में लग के पंक्तिबद्ध होकर लोग भोजन ग्रहण करते हैं, एक विशेष ईश्वर के द्वारा अनुभूति आती है और प्रेरित करती है कि नहीं, इस काम को अनवरत करना है। ईश्वर ऊर्जा दे, शक्ति दे, आप सबों का आशीर्वाद मिले, इस काम को अनवरत करते रहें। चाहेंगे इस चंपारण लाइन्स क्लब के अध्यक्ष सुजीत सिंह जी का कुछ विचार है संस्था के प्रति। अनिरुद्ध देश सेवा फाउंडेशन रन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये संचालित होता है। मैं अजय कुमार गुप्ता, अध्यक्ष जानपुर व्यवसायी संघ सत्संग अनिरुद्ध सेवा फाउंडेशन। दिल से सलाम करता हूँ, इनका वंदन और अभिनंदन है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। और हमारे संस्कृति सनातन संस्कृति में कहा गया है कि जो आए हैं, जो आया है वो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा। एक बड़ा सुंदर शब्द सनातन संस्कृति में कहा गया है कि जो आया है वो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा। तो इसको उद्धृत करते हुए रन इंडिया फाउंडेशन और अनिरुद्ध फाउंडेशन इसको आगे बढ़ा रहा है, और इस तरह के तमाम लोग जो लाइन बद्ध होकर, कतार बद्ध होकर खाना खा रहे हैं, इसमें एक भरोसा भी जगा रहा है कि हम शहर के अंदर में किसी भूखे को भूखे सोना नहीं देंगे। इस तरह का जो सोशल इम्पैक्ट समाज में पड़ रहा है और सोशल गतिविधि बड़ी है, हम तो देख रहे थे कि पहले बड़े बड़े शहरों में इस तरह का आयोजन होता था, आज छोटे छोटे शहर में भी इस तरह का भरोसा जगने लगा है और सामाजिक संस्था आगे बढ़ के काम करने लगी है कि सबको भरोसा हो इस
देश में इस धरती पर जो पैदा हुआ है वो भूखा नहीं सोएगा, यही इसका मिशन है। और इस मिशन को ईस्ट पैरालाइज क्लब अपनी गति देगी और इनका साथ निभाएगा और इसी तरह का हंगर प्रोजेक्ट करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद कि इस अच्छे चीज़ को समाज के बीच ले जा रहा है, उजागर कर रहा है हमारा मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ताकि लोग और जागृत हो और इस धरती पर कोई भूखे न सोए, इसके लिए सभी लोग कमर कसे सौगंध लेके हम अपने रहते किसी को भूखे नहीं सोने देंगे। जो अनुरोध फाउंडेशन और रन इंडिया फाउंडेशन कर रहा है, मैं इनको दिल से इस्तकबाल सलाम कर रहा हूँ, इनका वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ पर एकत्रित होकर इस चीज़ को सामने ले जा रहे हैं, समाज के बीच में अपना रसोई के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम और जो ज़रूरतमंद भूखे हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है रन इंडिया फाउंडेशन और अनिरुद्ध सेवा समिति के द्वारा। आज हम लायंस क्लब के तरफ से हम वरीय पदाधिकारी और बहुत सारे हमारे संगठन के सदस्य आए हुए हैं। ये संगठन हम लोगों को आज बुलाए थे, हम लोग इतने खुश हैं कि इसका मतलब इसके संगठन के पदाधिकारी को आभार व्यक्त करते हैं। और देखिए कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग ऐसे यात्री होते हैं जिनका ट्रेन रात में होता है या किसी कारणवश छूट गया, उनकी गाड़ी का इंतज़ार कर या तो अपनी खाना लाए हैं खा गए हैं या उनकी खाना ख़राब हो गई है। उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबी कतार लगा करके लोग इस खाना को ले रहे हैं और उनके चेहरे पर जो मुस्कान मुझे दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा खुशी हमको मिली। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मोतिहारी में जो है किसी दिन शनिवार और आज सोमवार विगत कुछ सप्ताह से लगातार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं मोतिहारी के नगरवासियों और खासकर यूथ के जो संगठन है उससे मैं निवेदन करूंगा कि बाकी और दिन जो बचे हुए हैं उसमें इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, खाना खिलाया जाए, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना, ज़रूरतमंद को खाना खिलाना बहुत ही उपकार का काम है। कोई खाना डायरेक्ट मांगता नहीं है, लेकिन जब इस तरह का लंगर लगता है तो अच्छे से अच्छे आदमी बीच में लाइन लग कर लेते हैं। और ईस्ट चंपारण लायंस क्लब के जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है हंगर, मैंने भूखे को खाना खिलाना, मैं भी आपको इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द रेलवे स्टेशन पर महीने में कम से कम एक बार हम लोग हंगर का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं इसलिए सप्ताह करना मुश्किल है। तो ज़रूर इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से बृहद रूप में एक हंगर का यहाँ खाना खिलाएंगे लोगों को, और हम लोग को भी जो सुखद अनुभूति होगा जो यहाँ के पदाधिकारी और इस संगठन के लोगों को जो खुशी मिल रही है हम लोगों को भी वही खुशी मिलेगा और इस संगठन के सारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।